किसी एक आदमी के आके दल बना लेने से कुछ बदलने वाला नहीं है। आप देख रहे हैं कि पिछले 30-35 साल से अलग अलग नेता अलग अलग पार्टी जीत कर आ रहा है, कुछ बदल रहा है नहीं, कुछ बदल रहा है भाई नहीं, बदल रहा है नहीं। लालू जी का लड़का 10वां पास नहीं किया है, नहीं किया है ना, 10वां फेल है, 9th तक पढ़ा है। लालू जी लगे हुए हैं कि हमारे लड़के को मुख्यमंत्री हम कैसे बनाएं। तो भाई हर बाप की तरह अपने लड़के को आगे बढ़ाना चाहते हैं, इसमें कोई गलती बात नहीं है, बात सही है। लालू जी का लड़का 10वां फेल है, राज्य का मुख्यमंत्री बनना चाहता है, बन जाए कोई दिक्कत नहीं है, जनता वोट दे देगी तो बन जाएगा। दिक्कत इस बात से है कि अगर लालू जी का लड़का 10वां फेल वो मुख्यमंत्री बनेगा तो जो गरीब का लड़का 10वां पास है कम से कम उसको चपरासी का तो नौकरी मिलना चाहिए, मिलना चाहिए कि नहीं बताइए। ये राजतंत्र नहीं है कि राजा का लड़का राजा ही बनेगा, अगर राजा का लड़का राजा ही बनेगा तो गरीब का लड़का कहाँ जाएगा, ठीक है ना। तो जो लोग भी किसी पार्टी का किसी नेता का बंधुआ मजदूर बनकर उसका वोट कर रहे हैं उन सबको आप हाथ जोड़कर आग्रह करने आए हैं कि अपना तो आपने जो किया सो किया, कम से कम अपने बच्चों का भविष्य गिरवी मत रखिए, अपने बच्चों के भविष्य के लिए एक बेहतर विकल्प बनाइए। इस दिन बिहार में समाज में लोग जग जाएंगे, सारे लोग जो हेलीकॉप्टर पे हवा में उड़ रहे हैं वो नीचे धरती पर आ जाएंगे। जन बल के आगे कोई बल नहीं है, कोई समीकरण टिकने वाला है, ना मोदी ना लालू ना नीतीश, जनता खड़ी हो गई तो सबकी कहानी खत्म है ना, होना चाहिए ना। बिहार में विकास के लिए बेहतर विकल्प बनना चाहिए ना, बनना चाहिए कि नहीं। तो मोदी जी आजकल 700 करोड़ रुपया के प्लेन पर चल रहे हैं, उन तक आवाज आपकी नहीं पहुंचेगी। सब लोग हम लोग इतना वोट दे दिए प्रधानमंत्री बन गए, 700 करोड़ रुपया के प्लेन पर चल रहे हैं, आ उद्योग लगेगा गुजरात में, आ बिहार का आदमी मजदूरी करेगा, बताइए कितना उद्योग लग गया यहाँ मोदी जी के प्रधानमंत्री बनने के बाद। देखो लगा नहीं ना लगा, गुजरात से 2600 MP जा रहा है जीत के, सुनिए इस बात को, गुजरात से कितना MP जीत कर जाता है भाजपा का 2600 को, हम लोग कितना जिताकर भेजे हैं 39 को, तो जो 2600 MP जिताकर भेज रहा है तो देश के खजाना पर उसी का अधिकार हो गया। हम लोग बिहार के आदमी 39 को जिताकर भेज रहे हैं तो हम लोग को कुत्ता भी नहीं पूछ रहा है, बात सही है, पूछना चाहिए कि नहीं पूछना चाहिए। फैक्ट्री लगेगा गुजरात में, प्रधानमंत्री गुजरात का, अब बिहार का आदमी कहाँ जाएगा, समंदर में बिहार का आदमी भी तो कुछ करेगा ना भाई, काहे नहीं मोदी जी यहाँ फैक्ट्री लगा रहे हैं, कहे की मोदियों जी को पता है बदल गए, बिहार का आदमी इतना सीधा है कि फिर जाएंगे चुनाव में बड़ा बड़ा भाषण करेंगे, 56 इंच का सीना आ पुलवामा आ भारत पाकिस्तान हिंदू मुसलमान करके वोट मिल जाएगा, है ना, इसीलिए नहीं कुछ बना रहे हैं। इस बार भैया वोट ना लालू को ना नीतीश को ना मोदी को, इस बार वोट पड़ना चाहिए बिहार के बच्चों के भविष्य के लिए, पड़ना चाहिए ना, हाथ उठाकर बोलिए नया प्रयास होना चाहिए ना बिहार में। अच्छा तो मोदी जी तो वोट किए आप झाड़ के, तो गैस का सिलेंडर का दे रहे हैं ना 1300 रुपया, अभी दिमाग अगर नशा नहीं उतरा है तो एक बार जाके बटन और दबा दीजिए, अगली बार 2000 रुपया दीजिएगा, सब दिमाग धरती पर आएगा, है ना। डीजल पेट्रोल का 100 रुपया दे रहे हैं ना, तो मोदी जी
तो चिंता नहीं है, उनको मालूम है कि फिर भोटवा तो हम ही को दीजिएगा, हिंदू मुसलमान करके भोटवा को ले ही लेंगे। इस बार बिहार की जनता बताएगी कि नारे भाई इस बार आपको वोट नहीं पड़ने वाला है, लालू जी आपको वोट नहीं पड़ने वाला है, वोट पड़ेगा उसको जो बिहार के बच्चों के लिए रोजगार का जुगाड़ करे, है ना। तेल भाई।